इजी एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल वीडियो के लिए नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस मिलती रहें, और साथ दिए गए बेल आइकॉन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। डेमोक्रेसी, इस वीडियो में मैं आपको डेमोक्रेसी का बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक लॉजिक ईजी वे में एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा और इसकी डेफिनेशन भी बताऊंगा। तो सबसे पहले हम छोटा सा डेमोक्रेसी का इजी वर्ड में कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। डेमोक्रेसी का मतलब होता है जमहूरियत। अभी जमहूरियत क्या होता है? रूल ऑफ मेजोरिटी, मतलब जिधर ज़्यादा से लोग एक हो जाएं, मतलब उनकी डिसीजन मेकिंग एक हो जाए, ज़्यादा से लोग है। अभी क्लास में जो है ना 100 स्टूडेंट हैं, तो टीचर कहता है कि कितने बच्चे कहते हैं कि आज नहीं पढ़ना, 60 बच्चे हाथ खड़ा करके कहते हैं सर हम कहते हैं कि नहीं पढ़ना। तो अभी इधर क्या है, डेमोक्रेसी आ गई है। जो 60 लोग हैं उन्होंने एक हो गए हैं, उन 60ों लोगों की डिसीजन मेकिंग एक है, उन्होंने एक फैसला किया है, मेजोरिटी एक में आ गई है, तो इसको हम डेमोक्रेसी बोलते हैं कि जो ज़्यादा से लोग मिल के एक फैसला करते हैं, और या ये कह सकते हैं कि एक हुकूमत क्रिएट कर देते हैं, एक सिस्टम गवर्नमेंट का क्रिएट कर देते हैं, उसको हम डेमोक्रेसी बोलते हैं। ये तीन डेफिनेशन हैं। पहली मैंने आपको बता दी कि पॉपुलेशन जो है ज़्यादा सी मेजोरिटी पॉपुलेशन जिसको वोट देती है और उसको इलेक्ट करके उसको कहती है कि वो सारे काम करे, उसके सुपुर्द सारे काम मुल्क के, स्टेट के, सारी गवर्नमेंट का सिस्टम उसके सुपुर्द कर दिया जाता है, उसको हम कहते हैं डेमोक्रेसी। या सिंपल वर्ड में हम ये कह सकते हैं कि होल पॉपुलेशन का या मेजोरिटी लोगों का किसी पार्टी को वोट दे के सेलेक्ट कर लेना और उसको सारा सिस्टम, अपने मुल्क का सारा कंट्रोल उसके सपोर्ट कर देना, उसको दे देना, ये भी एक डेमोक्रेसी में आ जाता है। मतलब सारे मुल्क का कंट्रोल, सारे सिस्टम्स का कंट्रोल जो है वो उसके हाथ में दे देना। तो कॉमन सी बात है, जब एक पार्टी के हाथ में सारा सिस्टम होगा तो करप्शन भी होगी, और जब उसको सिलेक्ट करने वाले लोग, आप यकीन माने कि पाकिस्तान इंडिया में जो एजुकेशन रेट है वो बहुत कम है। एजुकेशन रेट क्या है कि ग्रेजुएशन के जो लोग हैं वो 1% है, 1-2% है पाकिस्तान में। इंडिया में मेरे ख्याल से 4-5% ग्रेजुएशन के बच्चे हैं। मतलब हर 100 लोगों में से, हर 100% में से 2% आपको, 1-2% पाकिस्तान में ऐसा मिलेगा जो ग्रेजुएट होगा, और इंडिया में आपको हर 100 लोगों में से 4-5 बंदे ऐसे मिलेंगे जो ग्रेजुएट होंगे। तो खुद ही अंदाज़ा लगा लें, जब लोगों के पास एजुकेशन नहीं होगी, जब लोगों के पास एजुकेशन ही नहीं, उनके पास नॉलेज ही नहीं, तो वो कैसे अच्छे तरीके से किसी अच्छे लोग को, किसी अच्छे बंदे को, किसी अच्छी पार्टी को, किसी अच्छे सिस्टम को क्रिएट कर पाएंगे। तो मेजोरिटी जो होती है, मेजोरिटी का एक हो जाना, मेजोरिटी का एक, रूल ऑफ मेजोरिटी मतलब ज़्यादा से लोगों का एक हो जाना, इसको हम डेमोक्रेसी बोलते हैं। और इनके फैसले के ऊपर, मतलब ज़्यादा लोग जो फैसला करें इसके ऊपर ही परफॉर्म करना, इसके ऊपर ही अमल करना, इसको हम डेमोक्रेसी बोलते हैं। तो डेमोक्रेसी से पहले मेरे ख्याल से जो है ना, पहले हमें ख़त्म करनी चाहिए, मतलब हमें देखना चाहिए कि हमारे मुल्क में एजुकेशन होनी चाहिए, क्योंकि एजुकेशन होगी तो फिर अच्छे तरीके से वोटिंग होगी, अच्छे तरीके से लोग वोट करेंगे। तो आपने खुद ही देखा होना है कि ये जो पार्टीज़ कहती हैं डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी, तो ये अनपढ़ लोगों से, जो अभी एजुकेटेड नहीं, अनएजुकेटेड लोगों से वोट लेके ऊपर आई होती हैं, और जब अपनी बारी आती है, जब सिस्टम में लोगों को डालना है, जैसे आर्मी में, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, तो उधर फिर एजुकेशन की बात कर रहे होते हैं कि हमें एजुकेटेड बंदा चाहिए, इतनी तलीम होनी चाहिए, फिर उसको हम रखेंगे। तो लोगों की पढ़ाई के बारे में बात नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है अगर लोग पढ़ लिख गए तो हम ऊपर नहीं आ सकते। अगर हमने ऊपर रहना है, हमने पार्टीज़ ऊपर बनानी है, तो हमने एजुकेशन को नीचे ही रखना है, ज़्यादा एजुकेशन को नहीं बढ़ने देना, आगे थोड़ा रखना है, थोड़े लोगों तक पढ़ाई पहुँचे। तो उसके बाद अगर एजुकेशन आ जाए, तो उसके बाद अगर करप्शन ख़त्म हो जाए, तो फिर डेमोक्रेसी को हम फॉलो करें, तो फिर हमारे लिए बेहतर है। आई होप आपको डेमोक्रेसी का बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक लॉजिक पता चल गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड बाय।